राज्य में धार्मिक सौहार्द बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा मुस्लिम बंधुओं के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। 26 अप्रैल मंगलवार को शाम 5 बजे तहसील पुलिस स्टेशन की ओर से इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस वक्त कई मुस्लिम बंधुओं के साथ ही पुलिस ने भी सहभाग लिया था। नागपुर पुलिस के सराहनीय कार्य को लोगों द्वारा भी सराहा गया और उनकी तारीफ भी की गई। आज के इस इफ्तार पार्टी का क्या प्रयोजन? ये हम जातीय सलोखा बढ़ाने के उद्देश्य से हर शहर में अलग अलग जगह पे हम ये इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। आज ये तहसील पुलिस स्टेशन में परिमंडल 3 के तरफ से DCP साहब ने ये पूरे आयोजन किए थे, जिसमें सभी धर्म समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। बहुत ही अच्छे माहौल में ये आज इफ्तार का प्रोग्राम हुआ और जिस तरह के शहर की जनता हमेशा से पुलिस के साथ खड़ी रहती है और कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण नहीं होने देती है, उसके लिए हमने सभी को धन्यवाद भी दिया और रमजान महीने की हमने सभी को बधाई भी दी। जिस तरीके से शहर में किसी भी प्रकार का कोई भी माहौल नहीं है, शहर में सभी शांति है। जो भी मुद्दे हैं, जो कायदेशी रहेगी उसके अनुसूरण कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार की कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति निर्माण नहीं होगी, इसकी हमें पूरे विश्वास है। और अगर होती है तो उसको हैंडल करने के लिए, हताड़ने के लिए पुलिस दल पूरी तरीके से तैयार है। हम सभी धर्म में करते हैं। गणपति में भी प्रोग्राम यहाँ पे इसी परिसर में हुआ है, दशहरा में भी होता है, हर प्रकार के हर धर्म के अंबेडकर जयंती के उपलक्ष में यहाँ पे Zone 3 का पाचपौली में प्रोग्राम हुआ था, लकड़गंज में प्रोग्राम हुआ था। हर जगह हम हर धर्म हर जाति का के उपलक्ष में हम शांति बनाने के लिए, जाति सलोका बढ़ाने के लिए हम प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।